वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटनी आइडल। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो दोस्तों लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि बॉक्स ऑफिस के सबसे बड़े खिलाड़ी द गारंटी कुमार अक्षय कुमार की फिल्म 27 जुलाई को रिलीज़ होने वाली थी, यानी कि आज रिलीज़ होने वाली थी और रिलीज़ नहीं हुई। ये थिएटर्स महाराष्ट्र में बंद पड़े, दिल्ली में थिएटर्स खुले 50% ऑक्यूपेंसी के साथ, इसी वजह से फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। अभी कुछ लोगों का कहना है, रूमर्स ये फैल रहे हैं कि 13 अगस्त को आएगी, कुछ बोल रहे हैं 19 अगस्त को आएगी। नो आइडिया व्हेन दिस मूवी इज़ गोइंग टू रिलीज़। क्या ये डायरेक्ट OTT पे तो नहीं आ जाएगी? ना वाशु बगनानी जी कुछ न्यूज़ दे रहे, ना जैकी बगनानी जी कुछ कह रहे, ना निखिल अडवाणी जी कुछ कह रहे, ना अक्षय कुमार जी कुछ कह रहे। फैंस आर वेटिंग टू वॉच दिस मूवी इन थिएटर्स, लेकिन महाराष्ट्र में थिएटर खुले नहीं है क्योंकि अभी भी कोरोना का फ्लेवर चल रहा है, अभी थर्ड फ्लेवर आ रहा है ऐसे सुनने में आ रहा है। हालांकि मैं तो बिलीव नहीं करता हूँ, मेरे हिसाब से कोरोना है ही नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आई डोंट नो, बट आई थिंक इट्स नॉट देयर। देखते जब भी थिएटर खुलेगी, बेल बॉटम रिलीज होगी, तब फैंस के लिए एक त्यौहार होगा, स्पेशली अक्षय कुमार फैंस के लिए। दे आर जस्ट वेटिंग टू वॉच बेल बॉटम एंड सूर्यवंशी इन थिएटर्स। तो लेट्स वेट एंड वॉच व्हेन विल दिस टू फिल्म्स रिलीज इन थिएटर्स। सो गाइस, इफ यू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, इट्स बॉबी सिंह, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।